नमस्कार आप सभी को। आई एम यक्ष निनानिया, फाउंडर ऑफ वास्तु यक्षा। मैं आज आपके सामने नया टॉपिक लेकर आया हूँ, मालव्य राजयोग। मालव्य राजयोग के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं उनको आज क्लियर कर रहा हूँ आप सभी के सामने। मालव्य राजयोग है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये राजयोग हमारे शुक्रदेव से बनता है। शुक्रदेव यानी कि धन के प्रतीक, सुंदरता के प्रतीक, लग्जरी के प्रतीक। और जिसकी कुंडली में या जिस भी व्यक्ति की ये कुंडली में ये राजयोग बनेगा, वो आपको पता ही है, सुंदर तो वो ऑब्वियस ही होगा, क्योंकि शुक्रदेव को हम देखेंगे। वैसे भी हम प्लैनेट्स में देखते हैं तो सबसे सुंदर ग्रह, चमकीले ग्रह शुक्रदेव ही हैं। वही हमारा वास्तु से रिलेटेड भी टॉपिक चल रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, मालव्य राजयोग के बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। सबसे पहले हमारा वही राशि चार्ट होता था जो पुरानी वीडियोस में राशि का चार्ट है, और मालव्य राजयोग का ये कुंडली है सभी के सामने। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि शुक्रदेव से बनता है, शुक्रदेव सुंदरता के प्रतीक है, तो उसकी डिटेल भी आपको बताई जाएगी। लेकिन इनको जो जहां पे मैंने शुक्रदेव लिखा हुआ है, शुक्र लिखा हुआ है, शुक्रदेव जब इन ग्रहों को केंद्रों के घर कहते हैं। केंद्र के घर इसलिए कहा जाता है क्योंकि केंद्र में है इसको, जहाँ पे इसको फर्स्ट हाउस बोलते हैं, इसको फोर्थ हाउस बोलते हैं, इसको सेवन्थ हाउस बोलते हैं, इसको टेंथ हाउस बोलते हैं। जब शुक्रदेव फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में, सेवन्थ हाउस में और टेंथ हाउस में होंगे, तो यहाँ ये राजयोग मोर एंड मोर पावरफुल हो जाता है। मोर एंड मोर पावरफुल होने का रीज़न ये है कि ये पॉजिटिव घर माने जाते हैं, यहाँ पे पावरफुल हो जाता है ये ग्रह। तो वही हमारी कुंडली का चार्ट भी हमारे पास है, मालव्य राजयोग की मैं आपको डिटेल बता चुका हूँ। आगे बताता हूँ ये आपकी कुंडली में बनेगा कैसे, और जिस भी पर्सन की कुंडली में ये राजयोग बनेगा उसको बेस्ट ऑफ लक है, क्योंकि लाइफ में ऐसे इंसान बहुत सक्सेस देखे हैं मैंने। तो अब आपको बताते हैं कि ये राजयोग बनेगा कैसे। जब भी कुंडली के अंदर शुक्रदेव दूसरी, सातवीं और बारहवीं राशि में बैठे हों, इन्हीं घर में बैठे, आप अपनी कुंडली खोलिए और कुंडली में चेक कीजिए कि शुक्रदेव दूसरे, सातवें और बारह नंबर के साथ यहाँ पे शुक्रदेव बैठे हों, या इस घर में बैठे हों, या इस सेवन्थ हाउस में बैठे हो, या टेंथ हाउस में बैठे हो। हाउस मैंने लिखे नहीं क्योंकि स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने सिर्फ एक बेसिक डिटेल आपको शेयर कर दी है कि दूसरा, सातवीं और बारहवीं राशि अगर यहाँ पर लिखी हुई है तो ये मालव्य राजयोग आपकी कुंडली में बन चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यह राजयोग बहुत लग्जरी दिलाता है, भोग दिलाता है, पैसा दिलाता है, लक्ष्मी का, स्वयं लक्ष्मी माता का हाथ होता है इनके सर पर। तो शुक्रदेव इस चीज के भी प्रतीक हैं, भोग के भी प्रतीक हैं। आपकी कुंडली में अगर शुक्रदेव दूसरी, सातवीं और बारहवीं राशि में बैठे हुए हैं और इन घरों में बैठे हुए हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका मालव्य राजयोग बन चुका है। और ये बहुत पॉजिटिव राजयोग है क्योंकि शुक्रदेव वैसे ही सुंदरता देते हैं। अब इनके बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं कि इनका रिजल्ट कैसे मिलेगा हमारे को। भाई किसी भी राजयोग का रिजल्ट उसकी दशा, अंतर दशा में मिलता है। आप अपनी कुंडली खोलेंगे, किसी भी सॉफ्टवेयर में खोलिए, अगर आपकी कुंडली में वह राजयोग बनता है और उनकी दशा, अंतर दशा आती है, इवन सूक्ष्म दशा में भी ये पॉजिटिव रिजल्ट दे देते हैं, वो मैं आगे आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा। अब इसके बेनिफिट जान लेते हैं, इस राजयोग के बेनिफिट्स क्या हैं। बेनिफिट्स ये रहेंगे कि ऐसा इंसान सुंदर होता है, सुंदर के साथ साथ गुड नेचर होता है, ऐसे इंसान बहुत सुंदर होते हैं। मैंने बहुत सारे शुक्र लगन में जिनका होता है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो सुंदर होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी बहुत सुंदर होगी, उनको परफ्यूम लगाने का शौक बहुत होगा। मालव्य राजयोग वालों के पास परफ्यूम भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, तो परफ्यूम लगाने का भी उनको शौक होता है। बेनिफिट्स, उनका नेचर गुड होगा, सुंदर होंगे, बहुत सुंदर आंखें होती हैं इनकी, क्योंकि शुक्रदेव का प्रभाव जिस भी राशि वाले के पास होता है, बेसिकली जिस भी राशि वाले के पास होता है वो वैसे ही सुंदर होता है, हैप्पी पर्सन होते हैं, ब्यूटीफुल स्माइल होती है। इसमें कलर का कोई मैटर नहीं करता कि उनका गोरा रंग होगा, ये डज नॉट मैटर, मतलब उनके नक्शे कितने सुंदर होंगे, मनमोहक होंगे, कि आप देखेंगे तो वैसे ही आपको पता चल जाएगा किसी भी शुक्र लगन वाले का कि वो सुंदर ही हैं, सुंदरता के प्रतीक है। बातें इतनी सुंदर करते हैं, नेचर इतना सुंदर होता है, इसीलिए, क्योंकि दूसरी और सातवीं राशि देखो, देख लीजिए यहाँ पे, दूसरी राशि वृषभ राशि और सातवीं राशि तुला राशि, ये भी शुक्रदेव की राशियां हैं और इसमें ये उच्च के होते हैं, मीन राशि हो सकते हैं, तो होता है ऐसे, उच्च के भी हो सकते हैं, या इनकी पॉजिटिव राशियां भी कह सकते हैं,
के यहाँ, जहाँ ये बेटर रिजल्ट देते हैं, तो बहुत ज़्यादा सुंदर होंगे उनके। मैंने कई बार शुक्र लग्न वालों को या मालव्य राजयोग वालों को देखा है कि उनके चिक्स पे डिंपल भी पड़ते हुए देखा है मैंने। ये आप देखिए, नोटिस कीजिए, वो आपकी नॉलेज है कि आप कैसे पहचानते हैं, लेकिन बेसिकली इनके रिजल्ट बहुत पॉजिटिव मिलते हैं। तो जिस भी पर्सन की कुंडली में ये राजयोग बनता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत हेल्प करते हैं। दशा अंतर दशा में बहुत भोग भोगते हैं, क्योंकि फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में, सेवन्थ हाउस में और टेंथ हाउस में। सेवन्थ हाउस में शुक्र होते हैं जब सुंदर पार्टनर देते हैं, फोर्थ हाउस में लग्जरी देते हैं, टेंथ हाउस में कामयाबी देते हैं, और फर्स्ट हाउस में तो वो खुद ही उनका प्रारूप तैयार हो जाता है। तो यही है हमारी कुंडली में राजयोग का फायदा। तो आज के टॉपिक को हम कंप्लीट करते हैं, धन्यवाद आप सभी का। और हाँ, हमारी वास्तु यक्षा की न्यूमरोलॉजी की क्लासेस चलती हैं, आप डिस्क्रिप्शन में नंबर आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, क्योंकि न्यूमरोलॉजी की बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, वो आप जान पाएंगे। धन्यवाद आप सभी का।